अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज है संडे, इतवार का दिन है आज। एक तो मुझे पीछे से सही बैकग्राउंड नहीं मिल रहा होता, कहीं जना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, तो अगर बड़ा पड़ रहा है मजाक का, सॉरी ब्लॉपर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। आज है संडे, तो आज मैं सुबह उठा, सबसे पहले नमाज़ वगैरह तो अदा कर ली। ब्लॉपर अगेन। अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये मेरा तकरीबन फोर्थ टेक है ये की वीडियो में, पता नहीं हुई नहीं रही वीडियो आज। और सुबह मैं उठा सबसे पहले उठते ही है ब्लॉपर अगेन। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। ये फिफ्थ टेक है मेरा, सही है फिफ्थ टेक, वीडियो हो ही नहीं रही। तो सुबह उठने के बाद, आज संडे है, सुबह उठने के बाद तकरीबन, सुबह भी नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह हुई 11 बजे, और उसके बाद हम गए, मैं गया खैर हकीम के पास। पता नहीं स्टमक इशूज़ चल रहे, कुछ मैदे में तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, तो गया तो उसको दिखाने के लिए। वापस आने के बाद जब मैं घर आया तो दो लोग आए हैं घर पे, और दो लोग नहीं, दो बच्चे आए हैं, वो अपना पीसी लेकर आए हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पीसी सही कर दें। तो ना नहीं बोला करें किसी काम के लिए, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है जब आप इस तरह कुछ काम करते हैं। वी आर ऑन लर्निंग स्टेज, कुछ भी सीखे। अब मुझे नहीं पता उनकी पीसी में क्या इशूज़ है क्या नहीं है, बट जितना मैं जानता हूँ तो मैं उनका मदरबोर्ड चेक कर लूँगा, उनका रैम चेक कर लूँगा, देख लूँगा कि भाई कोई हीटिंग इशूज़ तो नहीं आ रहे, भाई ये चीज़ें चेक करेंगे कंप्यूटर सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो आपको दिखाया था उनके पीसी में, मतलब इतनी धूल मिट्टी जमी हुई है, तो सबसे पहले वो साफ करते हैं। ये रहा छोटा सा पीसी इनका, इसमें आप लोग के पास अगर कभी कंप्यूटर ख़राब हो, सबसे पहले खुद ही कोशिश कर लिया करें, अगर ख़राब हो जाए, वैसे भी अपने वहाँ जाके पैसे देने ही है, तो यहाँ एटलीस्ट घर पे खुद कोशिश किया करें। पूरी धूल मिट्टी जमी हुई है यहाँ पर, ये इसके अंदर कार्ड लगा हुआ है छोटा सा, इसकी रैम जेर की, ये रहा इसका सीडी रोम, ये रहा पावर सप्लाई, इसके नीचे यहाँ लगी होती है हार्ड डिस्क, इसके पीछे मदरबोर्ड, सॉरी मैं ये चीज़ें पता नहीं लगा, यहाँ पर ये चीज़ लगी, उसका फ़ैन, इसके नीचे होता है प्रोसेसर। तो इसको पहले साफ़ करते हैं ब्लोअर से, देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। अच्छा, ये जने इस वक्त वो कह रहे हैं ये डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो आई गेस में रैम इशू ज़रूर होगी, तो मैं इस रैम निकाल के ज़रूर चेक करना चाहूँगा, लेकिन पहले इसको साफ़ करते हैं। सही है, करते हैं भाई। सबसे पहले बात, इसको साफ़ करने के लिए आपको एटलीस्ट अपने बाहर रहना, वरना से बहुत धूल मिट्टी उड़ेगी, तो आपके कमरे वगैरह में ये चीज़ मत कीजिएगा। ये जो मैंने ब्लोअर लिया है मशीन, ये मैंने लिए ही कंप्यूटर के लिए, आई हैव माय ओन पीसी, तो उसके लिए मैंने लिया था। अब इस्तेमाल करते हैं, इस पर कुछ मिट्टी वगैरह निकल जाए, स्टार्ट करते हैं। नज़र आ रहा है कुछ? नज़र आ रहा है या नहीं? काफ़ी है, डन। तो ये हो गया साफ़। चलो आपको चेक करवाता हूँ कि कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। वैसे साफ़ होने से आई डोंट गेस कि कोई फ़र्क पड़ेगा, इसके अंदर कुछ रैम का इशू हो सकता है, तो अभी चेक करते हैं, अगर कोई फ़र्क पड़ा है तो ठीक है, वरना फिर रैम निकाल के चेक करनी पड़ेगी।
ये मैंने लगाया तो सही, लेकिन इसमें से पता नहीं कुछ आवाज़ें आ रही है यहाँ से, है यहाँ से कार्ड में से वो देखें, इसमें से ऑरेंज लाइट जल रही है, तो मैं रैम चेक करनी पड़ेगी आई गेस। हेलो गाइस, तकरीबन 3-4 घंटे के मेहनत के बाद, मतलब 3-4 घंटे मेहनत तो नहीं की मैंने, लेकिन अब तकरीबन इस वक्त हो रहे हैं 4:30 बज रहे हैं, को लगा हुआ था पीसी के अंदर, हो ही नहीं रहा था वो, तो फिर मैंने मेरे दोस्त है फरहान भाई, थैंक यू सो मच, अगर आप वीडियो देख रहे हैं थैंक यू सो मच। कंप्यूटर अभी चालू हो गया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा, और ये जो जिनका कंप्यूटर है वो भी आए हुए हैं, ये भी आना चाहेंगे, ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, ये आए थे इसलिए, और ये कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, सही है ना, यहाँ पर मैंने रखा था कंप्यूटर, ये इनके पीसी के जो ना वो पूरे के कंप्यूटर खोल के रखे हैं, तो क्या करें आप, थोड़ा बहुत अच्छे काम किया करें, सही है ना, बगैर पैसों के भी कभी कभी कर लिया करें, थैंक यू सो मच। सही था अगर यार, असर का टाइम हो रहा है, 5:15, ये रही मेरी छुट्टी है, और 5:15 बज रहे हैं, पूरे गहमा गहमी है, और मैं जा रहा हूँ इस वक्त अपने, मैं जा रहा हूँ इस वक्त अपने स्कूल की तरफ, गोदरा जा रहा हूँ, तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। असल में मुझे एक चीज़ ख़रीदनी है, छोटा वाला ट्राईपॉड स्टैंड ख़रीदना है, तो मैं देखता हूँ अगर मुझे रास्ते में मिल जाते ठीक है, वरना मुझे फिर संडे बाज़ार जाना पड़ेगा, वहाँ से लेते हुए फिर हम वहाँ जाएंगे, ठीक है, तो चलते हैं, चले चलते हैं। 5:15 हो गया, चले भाई मैं जा रहा हूँ, अल्लाह, हेलो गाइस, ये रहा मेरा स्कूल पीछे, मैं आपको जो है ना सही से दिखा देता हूँ, ये है मेरा स्कूल, ये यहाँ पर सामने बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस, और ये पूरा का पूरा अब मैंने सुना है बंद हो गया है या फिर कुछ और में हो गया है, अच्छी यादें हैं यहाँ हमारी, तो मैंने सोचा ज़रा हो के आते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। अभी चलता हूँ मैं, इनके मेरे टीचर है उनसे मिलने के लिए, स्कूल में पढ़ाते थे। हेलो गाइस, मैं घर आ गया, मतलब वहाँ मैंने इतनी ख़ास वीडियो तो बनाई नहीं, लेकिन आ गया, संडे गुजर गया, और अब मैं वीडियो एडिट करने जा रहा हूँ, तो थोड़ी सी बातें हो जाएँ, मतलब 2 मिनट 1 मिनट सही ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो मैंने ये लिया था, ये छोटा सा ट्राईपॉड स्टैंड लिया था मोबाइल के लिए, असल में ये जो मैं बस एक ट्राईपॉड स्टैंड है, ये तो हो जाएगा घर पे काम के लिए, लेकिन अगर कभी बाहर शूट करना पड़ा तो ये बड़ा वाला लेके जाना जाना अजीब लगता है हाथ से, और मोबाइल हाथ में जो ना हिलने लग जाते हैं, तो इसके लिए छोटा सा ट्राईपॉड स्टैंड ले लिया। अभी मैं गया था संडे बाज़ार, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ वीडियो बनाना तो इम्पॉसिबल है, बाइक निकाल ली भी बहुत बड़ी बात थी, ये काफ़ी है, ये गुड, ये मैंने बना दिया, ये है ट्राईपॉड स्टैंड छोटा सा, सही है, तो यहाँ से पर अब एडिटिंग करके ना फिर हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं इस पर, तो ये हो गया। इसके अलावा हाँ, मैं गया था स्कूल अपने, फिर उसके बाद मैं अपने टीचर से भी मिला, उनके साथ बातें भी बहुत की, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला दोबारा से, मैं कहीं ना कहीं से मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, तो आप लोगों को सीखना चाहिए, लर्निंग स्टेज में है, कहीं भी से भी किसी भी मतलब बड़े से छोटे से आपको सीखने को कुछ भी मिल सकता है, तो आप सीखा करें, ज़रूर सीखा करें,
इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे पता चली है आज कि इट्स नॉट द प्लेस जिस जो मतलब आपको खुशी देता है, इट्स अबाउट द पीपल जो कि उस जगह को इम्पोर्टेंट बनाते हैं। जैसे आज मैं स्कूल गया था अपने, तो वहाँ स्कूल तो वही स्कूल है, हम वहीं पर जाते थे, मुझे अपनी पूरी पुरानी यादें मतलब ताज़ा हो गई कि यहाँ पर हम आते थे, मज़ा भी बहुत आया। मैं वहाँ पर 10-15 मिनट बैठा रहा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन फिर भी वही पुरानी बातें याद आई, अपने दोस्त याद आए कि भाई यहाँ पर एक ऐसा वक्त था कि हम आया करते थे और यहाँ पर मस्ती मजाक किया करते थे, स्कूल था हमारा, हमने पूरे तकरीबन मैंने 6-7 साल वहाँ पर गुजारे, बहुत कुछ सीखा है वहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अभी भी मेरे साथ मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्कूल बेसिक लेवल होता है, स्कूल ही आपको डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ से कहाँ मतलब जा सकते हो, सब स्कूल पर डिपेंड होता है। तो लेकिन एक बात है कि लोगों को इम्पोर्टेंट दे, जगह को नहीं, मतलब जगह स्पेशल हो सकती है लेकिन वो जो स्पेशल जगह होगी ना वो भी किसी लोगों की वजह से होगी। अगर आप कभी अकेले जाओ उस जगह पर तो वो जगह आपको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगेगी, आपको शायद कुछ याद आ जाए, आपको कुछ मेमोरीज आपकी मतलब रिवाइज हो जाए, लेकिन जगह जो है ना आपको वही पुराने लोग ही याद आएंगे। तो मुझे जो है ना वो पुराने लोग याद आए, मुझे वो पुरानी चीज़ें याद आई। इतना ही आज के लिए, इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, शायद कल मैं दोबारा व्लॉग बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।